बहन के जाने का दुख सबसे ज्यादा मम्मी को होता है क्योंकि वो अकेले रह नहीं पाती। और मैंने पहले बताया था आप लोगों को मम्मी को एंजाइटी है, बोले तो वो अकेले रह नहीं पाती और भीड़ भाड़ जगह उनको नहीं पसंद। वैसे बहन आज नहीं जा रही है, वो जाने वाली थी कल लेकिन उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो अब परसों जाए। खैर कल जाए या परसों, बात तो वही है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसके पास बचे एक दिन, फिर हॉस्टल चले जाएगी तो कुछ अच्छा खा पी नहीं पाएगी। तो मैंने से पूछ लिया, बताओ तुमको क्या खाना है? लिट्टी चोखा। मुंह तो बंद करो अंकल, पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा खाने का सोचिए। और आपको तो पता है हम ठहरे बिहार से, तो लिट्टी चोखा ही। तो लिट्टी चोखा बनाने के लिए चाहिए कुछ कुछ सामान, तो आ जाता है सीधे राशन दुकान में सामान ले। और अभी राशन के सामान ले ही रहा था तभी बहन का कॉल आता है। और फिर मैं बोला था ना क्या खाएगा, बस एक प्लेट मोमोज खिला। बताओ उसको मैंने खाने का क्या नहीं पूछ लिया, तब से डिमांड पे डिमांड करे जा रही है। कोई नहीं आज का दिन इसके ना। वैसे लिट्टी चोखा बनाना मुझे नहीं आता, मम्मी को आता। आप लोग बोले वो मम्मी तो बंगाली है फिर वो कैसे? तो भाई साहब वो मम्मी है, लिट्टी चोखा तो क्या डायनासोर को उबाल कर उसका लिट्टी चोखा बना दे। वैसे लिट्टी चोखा बनाना बहुत इजी है, पहले सत्तू में अजवाइन थोड़ा अचार और लास्ट में प्याज और लहसुन मिलाकर मिक्स कर, फिर आटा को ऐसे गोल गोल करके उसमें सत्तू भर के तेल में फ्राई कर ले, बस बन गया लिट्टी। और चोखा तो आप लोग बना ही लो। तुम दिन में बोला था ना क्या खाएगा, बस एक आइसक्रीम खिला। अजीब जान। हॉस्टल जाने के नाम पे ब्लैकमेल किए जा रहे। चलो मैं तो चला आइसक्रीम लाने, बाकी ब्लॉग्स और लाइक कर दे।